नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। दोस्तों, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? न्यायालय में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दावा दाखिल करने की ज़रूरत क्यों होती है? दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के माध्यम से क्षतिपूर्ति की प्राप्ति होती थी, पर सिर्फ क्षतिपूर्ति से पूर्ण न्याय नहीं मिलता था, क्योंकि व्यक्ति को जिस वस्तु के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता था वो न मिलने पर उसके लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लेता था, पर वही वस्तु जिसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो वस्तु कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से नहीं मिलता था। इसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जरूरत पड़ी, जिसके माध्यम से वही वस्तु जिसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है प्राप्त कर सके। दोस्तों, आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए को बी अपनी साइकिल नियत तिथि पर नियत दाम में बेच देगा, पर बी ए को नियत तिथि पर नियत दाम में नहीं बेचता। ए बी के प्रति दावा करता है कि वह उसके लिए क्षतिपूर्ति दे, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से उसके बदले में क्षतिपूर्ति प्राप्त हो जाती है, पर वही वस्तु उसको नहीं मिलती। पर यहाँ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के माध्यम से ए को बी वही वस्तु देगा जिसके माध्यम से जिसका करार ए और बी के माध्यम से हुआ है। दोस्तों, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के माध्यम से सिर्फ वही वस्तु की मांग की जाती है जिस वस्तु के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई और वस्तु या कोई और क्षतिपूर्ति दे करके उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।